एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा इतना तंग हाल है कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। पूरा लॉकडाउन के दरमियान करोड़ों लोग जो है सो बेरोजगार हो गए और इतनी भयावह स्थिति है कि घर परिवार चलाने में भी युवा असक्षम है। तो इस स्थिति में हम लोग आज प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में छात्र नौजवानों ने एक तय किया है कि आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है सरकारी पदों में। इस भयावह परिस्थिति में इस देश की सरकार जो पद है भी उसको भी संविदा पर करने जा रही है। इसलिए हम नौजवान आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शहीद लाल पदमधर की प्रतिमा के नीचे बैठ करके इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज हम लोग नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पे पूरे भारत भर के बेरोजगार जो हैं बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं और बेरोजगार दिवस के मौके पे पूरे शहर में मसाल जुलूस निकाल के हम लोग रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए सड़कें कुदरे हैं। जिस तरीके से रेलवे को बेचा जा रहा है, बैंकों को बेचा जा रहा है और सरकार जो नौकरियाँ थी उसको ख़त्म किया जा रहा है और नए नौकरी को बहाली नहीं आ रही, उन तमाम नए नौकरी की बहाली के लिए एग्जाम के लिए आज हम लोग सड़कों कुदरे हैं। हमारा सरकार से मांग है कि नरेंद्र मोदी रेलवे, बैंक एवं तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो पहले नौकरियां जिस तरीके से मिलती थी उस तरीके से नौकरियां देने का काम करे, इसको लेकर आज हम लोग मसाला जुलूस निकाले। आज देश के युवा सड़कों पर उतर करके आज मोदी जी के जन्मदिन पर आज विरोध दर्ज कर रहे हैं और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। हालत तो ख़राब है ही, ये तो सभी जान रहे हैं। कितने लोगों को निकाला जा रहा है, कितने लोग निकाला गया है। बेरोजगारी का प्रॉब्लम तो है ही, कोई प्लेसमेंट नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है। किसी का कहीं हुआ भी हो तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया, तो वो तो ऑब्वियसली मेंटल स्ट्रेस।
प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, हर तरह से उनको प्रेशर तो वो आएगा। सबसे आई मोदी सरकार, युवा होए बेरोजगार, सबसे आई है मोदी सरकार, युवा होए बेरोजगार, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। कि 70वां जन्मदिन मनाने से पहले प्रधानमंत्री जी से ये सवाल कर रहा हूँ कि 70 नौजवानों के हाथ में डिग्री और कटोरा है, इनको रोजगार क्यों नहीं मिला? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा करके केंद्र में सत्ता में आए थे, 12 करोड़ लोगों को सत्ता से निकाल, नौकरियों से निकाल दिया। सरकार से मांग करते हैं कि जो ये जो धर्म की राजनीति है, ये जात पात की राजनीति है, इस राजनीति से ऊपर उठकर माननीय मोदी जी, आग्रह है युवा कांग्रेस का आपसे कि आप यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के युवाओं के भविष्य को देखते हुए नौकरियों की व्यवस्था कीजिए, ताकि यहाँ के युवाओं को दर दर की ठोकरें न खानी पड़े, यहाँ के युवाओं को आत्महत्या को मजबूर न होना पड़े। सिर्फ जुमले से यहाँ के युवाओं का भविष्य नहीं सुधर सकता। प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन है, उस जन्मदिन के दिन पे हम लोग एक समस्या लेके बैठे हुए हैं। जो हम लोग आजकल के नौजवान लोग पढ़ रहे हैं तो वो लोग को कुछ चाहिए ना, नौकरी चाहिए, वो लोग की भी जिंदगी जीना है, तो बिना नौकरी के साथ कैसे जिएंगे? उसके वजह से हम लोग आज बैठे हुए हैं। ये देखिए कुछ एडवाइजर मिलता है, ये एडवाइजर मिलने के बाद में भी कुछ इसका फायदा नहीं होता है, सिर्फ जॉब अप्लाई करते हैं, उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। আমাক জীয়াই থাকিব দিয়ক, জীয়াই থাকিব দিয়ক, জীয়াই থাকিব দিয়ক, আমাক চাকৰি দিয়ক, চাকৰি দিয়ক, চাকৰি।